फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोमोटो में। और आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एक टेक न्यूज़ सीरीज वन एपिसोड वन। अगर बात करें पहले न्यूज़ की, तो बेसिकली ये मोटोरोला की तरफ से है और इस हफ्ते मोटोरोला ने दो डिवाइसेस लॉन्च कर दिए हैं। एक पहला डिवाइस जो है वो बेसिकली मोटो G10 पावर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है, आप इमेज में देख सकते हैं किस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है। जो पैक पोर्शन है वो बेसिकली प्लास्टिक से बना हुआ है, बट ऑफकोर्स ओवरऑल अगर प्राइस को देखा जाए 10,000 में इन्होंने एक पावर पैक दिया है जो कि बेसिकली 6,000 mAh बैटरी होल्ड करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक 6.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले भी मिलता है। प्रोसेसर एज पर द प्राइस पॉइंट बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे आपको P22 P35 मीडियाटेक की तरफ से देखने को मिलता था, बट यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 460 का सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो अगला लॉन्च है, वो भी बेसिकली मोटोरोला की तरफ से ही है और ये डिवाइस बेसिकली मोटो G30 है, जो मेरे हिसाब से G30 नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि ऑफकोर्स ये एक G10 पावर का एक सक्सेसर डिवाइस है। यहाँ पे आपको प्रोसेसर बेटर देखने को मिल रहा है, फॉर्म फैक्टर बिल्कुल सेम है, डिज़ाइन भी ऑलमोस्ट सेम है, बट ऑफकोर्स कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज करी हैं, लाइक प्रोसेसर स्पीड, ये सब चीज़ें चेंज करके इन्होंने सेम डिवाइस के फॉर्म फैक्टर में एक नया नाम दिया है। तो मेरे हिसाब से इसका नाम कुछ G10 से रिलेटेड ही रहता तो बेहतर था, बट ऑफकोर्स नाम में क्या रखा है। फ़ोन अच्छा है, दोनों ही फ़ोन एक 10,000 पे G10 पावर और 11,000 पे यहाँ पे इन्होंने G30 को प्लेस किया है। गो चेक इट आउट, ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। नए लॉन्च की बात करें तो अनदर फोन इज़ फ्रॉम एसिस। एसिस इंडिया में अपना एक फिर से गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन लॉन्च कर दिया है, जो ऑफकोर्स आप समझ गए होंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। आप लुक में देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है एसिस का ये गेम सेंट्रिक फ़ोन। नाम तो ऑफकोर्स पता होगा, वही सेम नेम से इन्होंने लॉन्च किया है, कुछ भी गिमिक क्रिएट करने की कोशिश नहीं की है। अगर हम फर्स्ट लुक की बात करें तो ऑफकोर्स आपने यहाँ पे तो देख ही लिया है, बट आई वुड लाइक टू शो यू द प्लेसमेंट ऑफ मोबाइल फ़ोन ओवर द फ्लिपकार्ट एज वेल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉग फोन 5 का कुछ इस तरह से प्लेसमेंट किया गया है इस वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर बात करें तो मुझे लगता है एक इंडस्ट्री में तबाही मचा देने वाला फ़ोन है, क्योंकि ऑफकोर्स आपको यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली है जो शायद आपने इसके पहले कभी किसी फ़ोन में नहीं देखा होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे रैम, तो वो DDR5 है, आपने ऑफकोर्स अभी LPDDR4 देखा होगा, बट यहाँ पे आपको LPDDR5 का सपोर्ट मिलता है। UFS 2.1 सुना होगा, यहाँ पे आपको 3.1 का सपोर्ट मिल रहा है। एट द सेम टाइम 5G है, ऑफकोर्स 5G तो आपने देखा होगा, बट यहाँ पे Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट मिलता है। ऑफकोर्स यहाँ पे अगर हम बात करें इस गेमिंग फ़ोन में 6,000 mAh की बैटरी, तो ऑफकोर्स एक बेटर चीज़ है। साउंड यहाँ पे काफ़ी एक्सेप्शनल होने वाला है, क्योंकि हर तरह का सपोर्ट यहाँ पे साउंड में मिल रहा है। साथ ही साथ फर्स्ट टाइम स्नैपड्रैगन 888, यहाँ पे स्नैपड्रैगन 888 5G प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आई गेस वर्ल्ड का ये पहला डिवाइस होगा इस प्रोसेसर के साथ। तो एक इंटरेस्टिंग फ़ोन हो जाता है। अगर बात करें कुछ मेजर चेंज के बारे में, तो अब शायद जो नए लॉन्चेस होंगे उनके लिए एक ये चैलेंजिंग एक तरह से स्पेसिफिकेशन होगा, जो इस प्राइस पॉइंट पे अब एक तगड़ा कंपटीशन आने वाला है। होपफुली जल्दी ही एक्टिव हो जाएगा इस चीज़ को देखते हुए रियलमी। अगर IQ से भी एक्सपेक्टेशन है कि कुछ इस तरह का कमाल वो भी कर सकती है, क्योंकि ऑफकोर्स एक बेंचमार्क बन गया है मार्केट में एसिस की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो एक सेल की है, ऑफकोर्स फ्लिपकार्ट का एक सेल चल रहा है जो कि आई गेस आज ही एंड हो जाएगा। यहाँ पे कौन से फ़ोन्स आपको लेने चाहिए, कुछ बेटर सजेशंस हमारी तरफ से आपके लिए रहेंगे। लाइक अगर देखा जाए तो कुछ फ़ोन पे बेहतर ऑफर हैं। यहाँ पे Poco X3 थोड़ा आउटडेटेड है, बट अभी भी आप एक लास्ट चांस हो सकता है इसको ख़रीदने का, आप चेकआउट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफर मैं बोलूँगा सैमसंग F62। करेंटली ये जो आपको वीडियो दिख रहा है, दैट इज़ मेड बाई सैमसंग M51, एक तरह से उसी का एक रिजेंबल है। आप लगभग उसी डिवाइस को एक दूसरे फॉर्म फैक्टर, दूसरे कलर, एक तरह से कॉस्मेटिक चेंजेस के साथ ये F62 आपको फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव डिवाइस मिलता है। ओवरऑल डिवाइस इंटरेस्टिंग है, बट प्राइस पॉइंट थोड़ा बेटर हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपको
आईसीआईसीआई कार्ड पे एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जा रहा है। तो यू कैन जस्ट बाई दैट फोन इन दिस ऑफर, क्योंकि एक वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में कोई डिवाइस देख रहे हैं 20 to 23 thousand, अगर हम ऑफर की बात करें तो उसके बाद अप्रॉक्स 20 thousand में आपको ये डिवाइस मिल जाने वाला है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑफ कोर्स इस सेल में बात करें, अगर आप आईफोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि आप आईफोन 11 ले सकते हैं, 49 thousand में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास कार्ड है तो ऑफ कोर्स ये 46 thousand तक भी आपको मिल सकता है। बिल्कुल आईफोन ही लेना है तो दो ऑप्शंस आपको और आसपास के रेंज में दिखते हैं। 38 thousand में आपको यहाँ पे iPhone XR मिल जाता है, और 30 thousand में आपको यहाँ पे iPhone SE देखने को मिलता है। आईफोन सेंट्रिक है, वही यूज़ करना है। डेफिनेटली यू कैन गो विद आइदर एनी ऑफ द डिवाइसेस, क्योंकि यहाँ पे आपको एडिशनल ऑफर सब पे भी मिल जाएगा कार्ड लगाने के बाद। तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट दीज ऑफर्स नाउ ऑन फ्लिपकार्ट बिफोर 12 PM। अब यहाँ पे अगर बात करें, एक अच्छा फ़ोन जो मुझे लगता है कि आप ले सकते हैं बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे आ गया है, iQOO 3। ऑफकोर्स आपने देखा होगा, काफ़ी अच्छा फ़ोन है और अभी ये 25 thousand का हो चुका है। तो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दिस डिवाइस। आई थिंक इन दिस पर्टिकुलर टेक न्यूज़ दिस एंड ऑफर अपडेट दिस वर ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये बेहतर लगा होगा। अब इस सीरीज़ के साथ जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ हम आपको देते रहेंगे अपने इस मोमो मोटो चैनल पे, साथ ही साथ अनबॉक्सिंग, गैजेट्स, एक्सेसरीज सब के आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टिल देन।